आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाने वाली बृहस्पति देव की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से बृहस्पति जी की कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, पाप ताप कटते हैं, वे मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक दिन इंद्रदेव बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। उसी समय गुरु बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्रदेव गर्व के मारे खड़े ना हुए। यद्यपि वह सदैव उनका आदर सम्मान किया करते थे, बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि मैंने गुरु का अनादर कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरु के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। तब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है। तब वह क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को ना देखा तब निराश होकर लौट आया। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा ना होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनयपूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा, महाराज दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है जो गुरु को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूप बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। यह वचन सुनते ही इंद्रदेव त्वष्टा के पास गए और बड़े विनित भाव से कहने लगे, आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। तब विश्वरूप ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्रदेव वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हो गए। विश्वरूप के तीन मुख थे, एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पान करते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन किया करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के बाद उनसे कहा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूप की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दिन एक दैत्य ने विश्वरूप से कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूप
उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्व रूप के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप ना छूटा तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी सहित वहां आए। तब गुरु बृहस्पति जी ने उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इस कारण कहीं कहीं पृथ्वी ऊंची नीची और बीज बोने लायक नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य भावपूर्वक बृहस्पति देव की इस कथा को पढ़ता सुनता वे दूसरों को सुनाता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय। बंधुओं, गुरु बृहस्पति जी की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।